بسم الله الرحمن الرحيم. लास्ट वीक हम लोगों ने अलजौफ को डिटेल से देखा था कि वहाँ से हरूफ उल मद की आवाज़ें आती हैं और यानी थ्री मद लेटर्स हैं, अलिफ मदिया, वाव मदिया, या मदिया। आज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मखरज स्टार्ट करते हैं, विच इज अल हलक। हलक बेसिकली इसकी थ्री डिविजन्स हैं, यानी हलक के अंदर तीन मखारिज पाए जाते हैं, थ्री पार्ट्स में हम इसे डिवाइड कर देते हैं। अक्सल हलक, अक्सा मीन्स दूर का हिस्सा, डीपेस्ट पार्ट, यानी हलक का वो हिस्सा जो मुंह से दूर और सीने के करीब है, उसे कहते हैं अक्सा, अक्सल हलक। सेकेंड पार्ट है वसतुल हलक, मिडल पार्ट ऑफ थ्रोट, सेंट्रल पार्ट ऑफ थ्रोट। और थर्ड मखरज है अदनल हलक, अदना करीब, यानी वो हिस्सा जो मुंह के करीब है, अदनल हलक सबसे ऊपर वाला हलक का हिस्सा, करीब वाला हिस्सा, मुंह की जानिब की तरफ का हिस्सा। ये थ्री इसके मखारिज है, यानी जो हलक है उसकी थ्री डिविजन्स है, इसके अंदर थ्री मखारिज है मजीद। अच्छा, आज से हम अल्फाबेट्स पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अलजौफ जो है वो कोई हर्फ नहीं था बल्कि हरूफ की लंबी आवाज़ें थी, यानी एग्जैक्टली कोई लेटर नहीं था, जैसे आपके हमजा की आवाज़ है, वाव की आवाज़ है, नहीं, वाव की आवाज़ एक खास कंडीशन में, यानी जब वो वाव मदिया के तौर पर बन रहा हो, तो एक्चुअली अल्फाबेट्स नहीं थे बल्कि कुछ साउंड्स थी जो कि अलजौफ से आती हैं। आज से हम हरूफ को शुरू करेंगे, तो हरूफ को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है जो कि आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो रिकग्निशन ऑफ मखरज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यानी आपने मखरज को फील सेंस करने की कोशिश करनी है, फील करने की कोशिश करनी है, थोड़ा उसकी सेंसेशन लेने की कोशिश करनी है कि किस जगह से साउंड आ रही है। ठीक है, जो टंग के डिफरेंट एरियाज हैं उनको तो हम मिरर में देख भी सकते हैं, जो जबान के मखारिज हैं आप मुंह खोल के उनको मिरर में देख सकते हैं, जो लिप्स के मखारिज हैं उन्हें भी देखा जा सकता है। हलक के मखारिज के लिए सेंसेशन का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हलक के हरूफ बोलने में बहुत प्रॉब्लम होता है, प्रैक्टिस से भी वो बहुत अच्छे अचीव नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो उसकी सेंसेशन नहीं ले रहे, उसको फील नहीं करे कि कौन सी जगह है। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि अक्सल हलक कहाँ है, क्या है अक्सल हलक, तो सिर्फ नाम आपको फ़ायदा नहीं देगा, या ये याद कर लेना स्टेटमेंट कि अच्छा अक्सल हलक से ये हरूफ आते हैं, यानी आपको ये फ़ायदा नहीं देगी जब तक कि आप फील नहीं करेंगे। ठीक है, तो टंग और शफ़तान की प्रैक्टिस के लिए तो हम इंशाल्लाह मिरर में देखेंगे, मगर हलक के लिए आपको थोड़ा फील करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जब हम हरूफ को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे आज से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, तो कुरान पाक में कोई भी हर्फ फोर डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, यानी एक हर्फ है तो कुरान पाक में वो फोर डिफरेंट फॉर्म्स में आएगा, या तो वो फतहा के साथ होगा, या वो कसरा के साथ होगा, या वो दम्मा के साथ होगा, और या फिर वो साकिन फॉर्म में होगा। यानी ये फोर डिफरेंट फॉर्म्स आ सकती हैं, फतहा, कसरा, दम्मा या साकिन। जब आप हर्फ की प्रैक्टिस करेंगे तो आपने उसकी साउंड को जैसे यूं नहीं करना, जैसे फॉर एग्जांपल आइन की प्रैक्टिस करें तो आ, 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 आ नहीं, बल्कि उसको
चारों फॉर्म्स के साथ प्रैक्टिस करना है, साकिन भी और तीनों हरकत भी, यानी जो भी पॉसिबल फोर फॉर्म्स हैं हर्फ की, उन चारों के साथ आपने प्रैक्टिस करना है। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लेटर को मुशद्दद कर दें। मुशद्दद में क्या होता है? तशदीद दे दें। मुशद्दद में क्या होता है कि आप साकिन भी पढ़ते हैं और हरकात भी पढ़ते हैं, यानी आप तशदीद दे दें लेटर को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लाम को प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं लाम को तशदीद दे दूँ। अब मैं लाम को तशदीद देने के लिए, अब लाम को मुशद्दद यूं तो नहीं पढ़ा जा सकता अकेले, तो मैं उससे पहले हमजा को ऐड कर दूंगी। ये अरब्स का एक जनरल रूल भी है कि अगर लेटर साकिन हो ना तो वो हमजा को कहते हैं कि आप हेल्प करें, हमजा को एज हेल्पर लेकर आते हैं। तो हम यानी हमजा से हेल्प ले लेंगे, हमजा को ले आएंगे, हमजा फतहा को, सिर्फ फतहा को, और लाम को तशदीद देकर लाम की हरकात चेंज करते रहेंगे। यानी जैसे अल्लाह, अली, अल्लू। अब देखिए अल साकिन भी आ रहा है, ला फतहा भी आ रहा है, अल साकिन प्लस ली कसरा आ रहा है, अल साकिन प्लस लू दम आ रहा है। यानी चारों हरकात प्रैक्टिस होगी, प्लस तशदीद भी, मुशद्दद भी प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, मुशद्दद डिफरेंट नहीं होता, कॉम्बिनेशन ही है साकिन और मुतहरिक का, लेकिन वो भी इकट्ठा प्रैक्टिस हो गया, सब सब कुछ इकट्ठा प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, तो यानी हम हरूफ को इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं कि आप उनकी साकिन और मुतहर्रिक दोनों फॉर्म्स को प्रैक्टिस करें। सही, ये जो हमजा लगाने वाला तरीका है ना, ये हम तमाम हरूफ के ऊपर अप्लाई करेंगे। हेल्पर हमजा, हमने हर्फ को साकिन किया या उसे मुशद्दद किया और पहले हमजा लगा दिया, ये हम हर लेटर के ऊपर अप्लाई करेंगे सिवाय हमजा के। जब हम हमजा को प्रैक्टिस करेंगे तो उससे पहले हम हमजा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये इंशाल्लाह आगे हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मगर डबल हमजा जो है वो एक्चुअली लैंग्वेज में एग्जिस्ट इस तरह से नहीं करता कि अगर पहला वाला हरकत के साथ हो और दूसरा साकिन हो। ठीक है, जैसे अल है ना, हमजा फतहा लाम साकिन, ये तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमजा फतहा हमजा साकिन एग्जिस्ट नहीं करता। आ, ये इस तरह से साउंड एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए हम हमजा के साथ हमजा को नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं अक्सल हलक, हलक का सबसे डीपेस्ट पार्ट। हलक के सबसे डीपेस्ट एरिया से दो हरूफ आते हैं, अक्सल हलक से डीपेस्ट पार्ट से दो हरूफ आते हैं, हमजा एंड हा, हमजा एंड हा। हाँ जो एक तो जीम वाले की फैमिली से है ना, वो नहीं, दूसरा वाला हाँ जो बिल्कुल आखिर में होता है वो हाँ, जिसको हम उर्दू में दो चश्मी हाँ भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली दो ही तरह के हाँ होते हैं, एक तो जीम की फैमिली वाला होता है जीम की तरह जो लिखा जाता है वो, और एक दूसरा हाँ होता है। तो वो किसी भी तरह से लिखा हो, यानी दो चश्मी हो या ना हो, वो फिर हाँ ही होगा। ठीक है, यानी अक्सल हलक वाला हाँ ही होगा। अब इन दोनों लेटर्स में हम पहले आसान वाला देखेंगे, यानी दोनों लेटर्स में से कौन सा वाला लेटर आसान है। तो इन दोनों हरूफ में से हमजा कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू हा। हा को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से आता है, और फिर हाँ इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यानी दो तरह के हाँ हो जाते हैं ना, तो जब आप एक प्रैक्टिस करते हैं तो दूसरा वीक हो जाता है, जब दूसरा प्रैक्टिस करते हैं तो पहला वीक हो जाता है। तो आसान जो है वो हमजा है।
अगर हम हमजा साकिन की आवाज को देखें तो हमजा साकिन की जो आवाज है वो जर्क साउंड है, झटके की आवाज है। हमजा साकिन की जो आवाज है वो झटके की आवाज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यु मीनून, तो ये जो झटका है ये बेसिकली हमजा साकिन की साउंड है। और यानी कहीं पर भी आया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमजा साकिन की आवाज है। अब हमने जैसे पहले कहा ना कि जो हमजा साकिन है वो उससे पहले आप हमजा नहीं लगा सकते, तो हम कोई और लेटर लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल बा या ता, जैसे बा या ता या सा, यानी कोई भी लेटर आप लगा सकते हैं। कुरान पाक में ता के साथ वर्ड्स आते हैं, जैसे तमन्ना, यानी डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, तो आप कोई और लेटर लगा लें लेकिन हमजा नहीं लगा सकते, हमजा से पहले हमजा नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कोई और हर्फ लगा लें। तो जिस वक्त आपने करना ये है कि जिस वक्त आप झटका लगा रहे हैं तो आपने फील करना है कि आवाज किस जगह के ऊपर जा रही है। नहीं, जैसे ब, तो आप फील करें कि आपका हलक का कौन सा हिस्सा श्रिंक हो रहा है, उसी हिस्से से हम मुतहरिक भी बोलेंगे, जैसे आ ई ओ। ठीक है, अब अगर हम हमजा के कुछ डिफरेंट कॉमन एरर्स देखें तो एक तो ये कि जब ये साकिन फॉर्म में होता है तो स्टूडेंट्स इसमें एयर को ब्लो करते हैं, यानी जैसे असमा यूं करके ना, इन झटका लगाकर, तो फिर रिलैक्स करते हैं। जब वो रिलैक्स करते हैं और उसकी साउंड आती है, ये अलाउ नहीं, असमा यूं एयर को बाहर निकालना, दिस इज नॉट अलाउड। या फिर या फिर हमजा को बहुत टाइट करके बोलते हैं, अऊदु। ठीक है, और या फिर हमजा को अच्छा अदा नहीं करते, जैसे ये जैसे वर्ड है ना असमा आ, तो अगर इसको पढ़े तो असमा, यानी समा अलिफ और हमजा मिक्स कर देते हैं। हालांकि हमजा की आवाज बाद में डिफरेंट आनी चाहिए, मखरज से आनी चाहिए। पहले तो आप मद के लिए तो जौफ यूज करें ना, फिर आप हमजा अकसल हलक यूज करेंगे, असमा आ, यानी अच्छी तरह से मखरज से आवाज आए, ना बहुत टाइट हो ना इतनी वीक हो कि आप अलिफ और हमजा में डिस्टिंक्शन ना कर सकें। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप हमजा को प्रैक्टिस करते हुए ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो सेकंड लेटर है दैट इज हा। ठीक है, हा को अब आप कहाँ से बोलेंगे, एग्जैक्टली उसी जगह से जहां पर आपने हमजा को फील किया। ठीक है, आपको ये जो सेंसेशन हमने ली है ना, ये एक्चुअली हमजा के लिए नहीं ली, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना हमजा तो आसान लेटर, आप झटका लगाएंगे और आपको पता चल जाएगा आ ई ऊ इज, ये भी बहुत आसान है, लेकिन हमने ये जो फील किया है ना ब, ये एरिया के कौन सा हिस्सा आपका दब रहा है हलक में, ये हमने हा के लिए किया है, क्योंकि हा थोड़ा डिफिकल्ट लेटर है। हा अरबिक का ना तो इंग्लिश के एच से सिमिलर है, मतलब ना एग्जैक्टली उसकी तरह है, काइंड ऑफ है मगर एग्जैक्टली नहीं है, ना ही उर्दू के हे और हा, उर्दू में ना तो जिम हे की साउंड की तरह है और ना ही हे जो दूसरा वाला हा होता है, जैसे हे हाथी वाला, ना उसकी तरह है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अरबिक का हा जरा ज्यादा स्ट्रोंगर है उर्दू के हे से, उर्दू के हा से। तो इसलिए हमें उस पॉइंट का पता होना चाहिए जहां से हमने ये निकालना है, तो हम बहुत डाउन निकालेंगे इसको, हम यूं नहीं पढ़ते, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूं नहीं,
ये और स्ट्रांग होना चाहिए, इसके अंदर बहुत सारी एयर है, यानी इस लेटर के अंदर बहुत सारी एयर बाहर की तरफ आती है और साउंड भी आपकी थोड़ा रन करती है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमान ही, थोड़ी आप कह सकते हैं काइंड ऑफ जैसे ड्राउनी साउंड होती है ना, हा, वो है साउंड इसके अंदर, वो थोड़ी साउंड आती है। इसको प्रैक्टिस करने का एक तरीका और भी है, और वो ये कि जैसे आप डीप ब्रेथ लें, आप जो डीप ब्रेथ है उसको थोड़ा सा आप ना थोड़ी देर, फॉर अ सेकेंड, लॉन्ग डीप ब्रेथ लें, ठीक है, फॉर अ सेकेंड आप उसको चेस्ट में स्टोर करें, बिल्कुल फॉर अ सेकेंड, और फिर आपने उसको बाहर की तरफ निकालना है विद लॉट ऑफ एयर। कैसे? मैं अब सांस ले रही हूं, यानी डू नॉट से एनीथिंग, आई मीन डू नॉट से द हा, कोई लेटर नहीं बोलना, आपने सिर्फ ये ब्रेथ एक्सरसाइज करनी है कि आप गहरा सांस लें, हा, ये जो साउंड है ना, दिस इज एक्चुअली हा, ठीक है, ये एग्जैक्टली हा की साउंड है, हाँ इससे कम नहीं होना चाहिए। अब हम उर्दू में यूं नहीं बोलते जैसे यानी वो एक लड़की है, यूं नहीं बोलते ना, यानी हम तो नॉर्मल सा, वो एक लड़की है, ये हाँ अरबिक का नहीं है, ठीक है, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एच हाउस हाउस, तो ये भी हाउस नहीं, हम हाउस नहीं कहते, अरबिक में हाउस तो भी हाउस, हाँ ये आवाज पहले आनी चाहिए, नहीं एक स्ट्रॉन्ग हा की साउंड आएगी फिर आप नेक्स्ट लेटर बोलेंगे, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान, रहमान वाला हा डिफरेंट है, लेकिन बिस्मिल्लाह ही, मेक इट रियली स्ट्रॉन्ग, अल्हम्दुलिल्लाह ही, ठीक है, जैसे यहाँ पर आज था युमसी कुहुन्न, पूरा सर्कल और साउंड भी हु, ठीक है, यानी हुन हुन यू नहीं के जैसे आवाज आई ही नहीं, नहीं हुन, इस तरह से अच्छी एक स्ट्रॉन्ग साउंड आनी चाहिए। तो इस लेटर के लिए सबसे पहला तो जो काम आपने करना है वो रिकग्निशन ऑफ लेटर है, और वो आप हमजा से करेंगे, हमजा के हिट से करें, ठीक है, दूसरा ये कि फिर उसी जगह से आवाज को इनिशिएट करें, और इसमें आप फिर वही प्रैक्टिस करें, आहा आह हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, देन हा हैज टू बी स्ट्रॉन्ग, यानी ये नहीं होना चाहिए आहा, अब वो हा गुम हो गया लेकिन आह स्ट्रॉन्ग हो गया, दोनों लेटर स्ट्रॉन्ग होंगे, आहा आहा देन आही, यानी पहला वाला हा भी स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वाला भी स्ट्रॉन्ग है, आही एंड देन आहू, इस तरह से, तो आपके दोनों हाज जो हैं वो फिर स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, तो इसको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, सबसे पहले मखरज को रिकग्नाइज करने की कोशिश करें, फिर ये ब्रेथ एक्सरसाइज करें, इंशाल्लाह इट हेल्प्स यू अलॉट, और इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू अलॉट, और फिर दूसरा ये कि आप ना साउंड को खुद से सुनने की कोशिश करें कि आपने आवाज हा की आवाज जब आप निकाल रहे हैं तो आपने इसको सुनना है, तो प्रैक्टिस करने का बेहतरीन तरीका ये है कि जैसे अभी अभी तक आपने दो लेटर्स के दो आई मीन हरूफुल मत का मखरज पढ़ा, देन हमजा एन हा का मखरज पढ़ा, तो आप अपने कुराने पाक में हाईलाइट करें, जब भी आप प्रैक्टिस करें तजवीद की तो आप हाईलाइट करें मद लेटर्स को, फिर आप हमजा को हाईलाइट करें और हा को हाईलाइट करें, और कॉन्शियसली इनको दो तीन दफा वर्ड वर्ड के अंदर पढ़ें, ठीक है, इंशाल्लाह फिर इससे ये आपका बेहतर